something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here waiting for you with open arms. How about you coming close so we can do my place? Maybe we can try meeting up at 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. Hi there guys, welcome back to Motomotive once again. And ये TVS Evercharger 1CG4V, यहाँ पे दो बाइक है, एक जो प्रीवियस मॉडल और एक RM स्पेशल एडिशन जो लॉन्च हुआ था. अभी मॉडल शोरूम में नहीं था तो इसका रिव्यू नहीं बनाया था, तो इसका वॉक अराउंड जो प्रीवियस मॉडल का ऑलरेडी बना दिया, आप वो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से. अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोनों बाइक में क्या क्या डिफरेंस है और आपको लेना चाहिए कि नहीं. लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या फिर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना. और ऐसे और वीडियोज़ के लिए पास में रहा बेल आइकन को भी प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहना. चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं. तो इसे देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे इसका जो कॉस्मेटिक चेंजेस हुआ है, ये आपको पूरा मैट ब्लैक कलर में मिल जाता है. प्रीवियसली आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में मिलता था. और जो व्हील है वो आपको पूरा रेड कलर में मिल जाता है, दोनों ही व्हील. अभी ब्रेकिंग सिस्टम दोनों ही बाइक में आपको सेम मिल जाता है. ब्रेकिंग का डायमीटर आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा एग्जैक्ट जो नंबर है. रेडिएटर भी दोनों ही बाइक आपको ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है. तो इसमें बेसिकली पावर परफॉर्मेंस में कोई चेंजेस नहीं किया गया है. जो चेंजेस किया है कॉस्मेटिकली और टेक्नोलॉजिकली चेंजेस किया है उसके बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में. अब इसका इंजन कॉल देख सकते हैं, ये इसमें भी आपको सेम मिलता है. पर ये पूरा बॉडी, मतलब पूरा बॉडी आपको ब्लैक मैट ब्लैक कलर में मिल जाता है. इंजन पावर में कोई चेंजेस नहीं किया, पर इसका जो सिलेंडर हुड है ये भी आपको रेड में मिलता है. तो इस बाइक का जो कॉम्बिनेशन किया है रेड एंड मैट ब्लैक का, काफ़ी प्रीमियम अच्छा लगता भी है, क्योंकि टीवीएस ने बहुत अच्छा काम किया इस बाइक में, जो करता रहता है हर एक बाइक में. अब इसका साइड पैनल आप देखेंगे, ये भी इस बाइक में आपको पूरा मैट ब्लैक कलर, जो प्रीवियस मॉडल देख सकते हैं उसमें आपको एक सिल्वर टाइप कलर के साथ आता था, इसमें आपको पूरा जो है पूरा गाड़ी आपको मैट ब्लैक कलर के साथ जो रेड का कॉम्बिनेशन किया है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड करता है. काफ़ी और अट्रैक्टिव लग जाता है, क्योंकि मैट कलर ना लाइक बहुत ही अच्छा होता है. आप अगर मेंटेन करके रखोगे मैट कलर को तो ये बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड करता है आपको. अब मुझे पर्सनली मैट कलर काफ़ी पसंद है. और इसका जो बाकी जो डिटेल्स है, फुटरेस्ट, पिलियन फुटरेस्ट, चेन, पॉकेट वगैरह सब कुछ सेम है प्रीवियस मॉडल के साथ. अब ओपन चेन में आपको क्या करना होता है, कुछ लिमिटेड किलोमीटर के हिसाब से आपको मेंटेन करना होता है, चेन लीव करना होता है. उसका जो डिटेल्स आपको मैनुअल में मिलेगा. अब साइड स्टैंड और साइड स्टैंड इंजन कटअप टेक्नोलॉजी अभी तो खैर सब बाइक में ही दे रहा है, तो इसमें भी सेम है जो प्रीवियस मॉडल में भी इसका था. अब इसमें और चेंजेस जो किया, इसमें आप सीट देख सकते हैं ड्यूअल टोन कलर के साथ आता है. प्रीवियसली आपको सिंगल कलर का जो एक ब्लैक कलर का सीट मिलता है, इसका ड्यूअल टोन कलर के साथ ये सीट भी लाइक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है. पर मुझे एक लाइक टीवीएस से कंप्लेन है या फिर फीडबैक जो भी है, पर इस एडिशन में भी आपको लाइक पीछे का टेल लैम्प और लाइक जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको अभी भी हैलोजन वाला ही मिलता है. इसमें भी आपको एलईडी में चेंज नहीं किया है. इस एडिशन में कम से कम इसमें आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर मिल जाना चाहिए था, पर टीवीएस ने अभी तक कोई चेंजेस नहीं किया है. इस साइड से भी आप देखेंगे तो सब कुछ लाइक सेम ही है, बस इसका जो बॉडी पैनल है वो आपको कलर मैट ब्लैक कलर के साथ मिल रहा है. बाकी इसमें टैंक के ऊपर जो ग्राफिक्स है वो सेम है, पर जो मिडिल में जो स्ट्रिप है वो भी आपको रेड कलर, मतलब इसमें रेड और ब्लैक का अच्छा कॉम्बिनेशन किया है. आप देख सकते हैं दोनों ही गाड़ी में जो ग्लॉसी और मैट का जो डिफरेंस है. अब ग्लॉसी क्या होता है, आपको मेंटेनेंस में आसानी हो जाता है, पर मैट में आपको थोड़ा अच्छे से मेंटेन करेंगे तो इसमें आपको अच्छा रिजल्ट आएगा. और इसमें आपको टीवीएस का भी बैजिंग दिया गया है सीट में. वो सीट का क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव किया है पहले से, और थोड़ा कुशन लाइक हो गया, सॉफ्टर हो गया. अब स्विच बार में अभी इसमें भी आपको चेंज मिलेगा, यहाँ पे एक मेनू बटन मिल जाता है इस साइड पे, तो ये बटन से आप मेनू चेंज कर सकते हैं. ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है. इंस्ट्रूमेंट कंसोल में भी बहुत चेंज हुआ है, मैं आपको बताऊंगा. पहले आप देखेंगे जो इंस्ट्रूमेंट का कलर है जो ये व्हाइट कलर के साथ किया है, प्रीवियसली आप देखेंगे
इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये ऑरेंज कलर के साथ इंस्ट्रूमेंट कंसोल सेटअप आता था, पर मुझे ये जो व्हाइट कलर में चेंज किया है ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये ऑरेंज है। और इस गाड़ी में आप देखेंगे इसमें वो आई बटन नहीं है जो मेनू चेंज कर सकते हो वहाँ पे, और इसमें वो इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक जो चेंज किया है इसमें आप देखेंगे, जो क्लच लीवर और जो ब्रेक लीवर है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली आपका रिस्ट के हिसाब से, जो जितना आपका फिंगर जाता है उसके हिसाब से आप, तीन स्टेप है, तीन स्टेप के हिसाब से आप तीन जो गियर है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जब आगे की तरफ पुल कीजिए और 1, 2, 3 का डायल दिया हुआ है, आप अपने हाइट के हिसाब से या हाथ का जो रेंज है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये अच्छा चीज़ है काफ़ी, क्योंकि कभी कभी हम लोग किसी का छोटा हाइट होता है या कुछ भी होता है, हाथ नहीं पहुँचता है, उंगली से पकड़ते हैं, जो भी है, पर ये दोनों ही आपको क्लच लीवर और ब्रेक लीवर दोनों में ही मिल जाता है, इस चेंज कर सकते हैं। इंजन वही सेम आपको 159 cc का सिंगल सिलेंडर मिल जाता है, ऑयल कूल टेक्नोलॉजी का। पावर इसमें आपको सेम 17 PS का पावर और 15 Nm का टॉर्क मिल जाता है। टैंक में भी आपको लाइक पूरा बॉडी में ही आपको मैट ब्लैक कलर मिलता है, उसके साथ जो रेड का स्ट्रिपिंग किया है टैंक के ऊपर वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप दोनों बाइक देख सकते हैं, पास में ही है, पर दोनों में आपको डिफरेंस क्या लगेगा, जो ग्लॉसी कलर है और मैट कलर है इसका प्रीमियम लुक, ठीक है। और एक जो चेंजेस किया इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, वो मैं भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें अभी ब्लूटूथ एनेबल हो गया। अब ब्लूटूथ हो गया तो ब्लूटूथ के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट का जो प्लेसमेंट भी चेंज किया, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लूटूथ का साइन दिखा रहा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर नहीं मिलता था प्रीवियस मॉडल में, इसमें मिल रहा है। इसके साथ आपको टाइम, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टेकोमीटर सब मिल जाता है। यहाँ पर आपको लैप टाइमर मोड मिल जाता है, हाइट स्पीड मोड तो खैर था ही, और 0 to 60 का टाइमर भी मिल जाता है, कितने टाइम में आपने रीच किया एवरेज स्पीड। और यहाँ पे आपको 3 trip meter मिलता है, ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप एफ, यानी कि आपको 3 trip meter मिल जाता है इसमें। और लाइक आपको लैप टाइमिंग वगैरह, हाई 0 to 60 का टाइमिंग सब कुछ मिल जाता है। ब्लूटूथ से साथ कनेक्ट करके आप और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, इंजन मैनुफैक्चरिंग, ABS का साइन, हाई बीम, न्यूट्रल, लो फ्यूल इंडिकेटर, इंजन टेम्परेचर का भी यहाँ पे दिया हुआ है, और साइड स्टैंड का जो सिग्नल दिया हुआ है। ये मोड बटन, ये तो खैर पुराना बाइक में भी था। ये हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच है। तो ये सब में कुछ चेंजेस नहीं किया, जो बेसिक चेंजेस हुआ इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, ब्लूटूथ एनेबल किया गया इसको, और इसका जो क्लच लीवर है उसको आप मैनुअली चेंज करते हैं। सर ये जो इंडिया का ट्राई कलर है, ये TVS का हर एक बाइक में रहता है, ये मुझे काफ़ी पसंद है। इस साइड पे आप TVS स्मार्ट कनेक्ट का स्टिकरिंग देख सकते हैं। मिरर में कोई चेंजेस नहीं किया, लुकिंग फिर सेम लुकिंग व्यू मिरर मिलता है आपको, और टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन के ऊपर फोर्क गार्ड आपको मिल जाता है, सेम जो प्रीवियस मॉडल में भी आपको मिलता था। तो ओवरऑल इस बाइक में आपको चेंजेस के लिए कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता, स्टार्ट सुनिए। अब इसका जो एग्जॉस्ट नोट है उसमें भी आपको कुछ चेंजेस नहीं मिलेगा, सेम एग्जॉस्ट नोट आपको सुनने को मिलेगा। आप सुन सकते हैं कितना भी, कोई भी चेंजेस नहीं है, वही पंची जो फील हो रहा है TVS में इसका एक बाइक उसी सेम है, तो काफ़ी अच्छा है। तो TVS ने जो किया इस रिसर्च में, इसको कुछ चेंज ही नहीं किया, क्योंकि इंजन के साथ कुछ किया ही नहीं, जो किया कॉस्मेटिकली किया, ब्लूटूथ एनेबल किया, वही किया। पर मुझे अभी भी कंप्लेन है, क्योंकि इसमें अभी तक आप लोगों को LED टर्न इंडिकेटर नहीं मिलता। कम से कम जो ये अभी स्पेशल एडिशन है, टॉप वेरिएंट है, इसका प्राइस भी इंक्रीज हो गया प्रीवियस एडिशन से, तो इसका एटलीस्ट LED टर्न इंडिकेटर मिल जाना चाहिए था इस बाइक में, पर वो भी नहीं है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस इंक्रीज हो गया इसका। अब स्पेशल एडिशन का ऑन रोड प्राइस कोलकाता में अप्रोक्सीमेटली आपको 1,50,000 के आसपास आएगा, और जो प्रीवियस मॉडल है वो अप्रोक्सीमेटली 1,42 या 44 के आसपास एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस आपका डिस्प्ले में आ रहा होगा। या आपको जानने के लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में कि ऑन रोड प्राइस क्या है। अब सवाल ये है कि आपको ये जो स्पेशल एडिशन है ये लेना चाहिए कि क्यों लेना चाहिए। अब देखिए इसमें प्राइस तो इनक्रीज हुआ ही, 1,50,000 हो गया इसका ऑन रोड प्राइस अभी। पर अगर बात करें फीचर्स, तो अभी ब्लूटूथ इनेबल हो गया, उसके साथ इंस्ट्रूमेंट कंसोल में काफ़ी चेंजेस किया, और ये जो कलर स्कीम है मैट कलर के साथ जो रेड का जो कॉम्बिनेशन किया, ये काफ़ी प्रीमियम लग रहा है।
तो इसके लिए आप डेफिनेटली ये बाइक को ले सकते हैं, क्योंकि अब अगर ये सब आपका कंसर्न नहीं है, आपको एक जस्ट मशीन चाहिए, क्योंकि इंजन दोनों ही बाइक में आपको सेम मिल जाता है, उसमें कोई लाइक चेंजेस नहीं किया है, वही ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन, ब्रेकिंग सिस्टम सब कुछ इस बाइक में सेम मिलता है। अगर आप कलर के लिए लेना चाहते हैं, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के लिए लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये बाइक को ले सकते हैं। सो अभी भी इस बाइक में जो चीज़ें मिसिंग है वो एक USB चार्जिंग पोर्ट, जो कि हर हर बाइक में अभी तक दे रहा है, पर TVS ने अभी तक इस बाइक में नहीं दिया। और टर्न इंडिकेटर जो है मेरे ख्याल से उसको अभी LED कर देना चाहिए था, पर TVS ने वो भी नहीं किया। तो खैर वो शायद नेक्स्ट एडिशन में मिल जाए। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही था गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आप TVS पे किसी भी बाइक में इंटरेस्टेड हो तो PK TVS शाहपुर जी आप विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और इसके रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी भी बाइक के लिए कोई भी जानकारी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी सहायता करूंगा आंसर दे के। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और जब भी टू व्हीलर राइड कीजिए, कोई भी टू व्हीलर, अपना राइडिंग गियर जरूर पहने। टाटा।